change in the team. Bring back Goblin. स्टार्ट करते हैं। पता नहीं यार क्या स्टार्ट करने के ऑफ हो गया था यार। नोवा भाई ने क्या नहीं देखा, क्या स्विच ऑफ हो गया होगा, क्या वो स्टार्ट कर रहे होंगे दोबारा, देखा नहीं था ऑफ हो गया होगा। पता नहीं यार किस चीज की बात कर रहे होंगे। नोवा का एनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था तो उसने बोला कि स्विच ऑफ हो गया। कौन सा स्विच ऑफ? हैंड कैम वाला भाई, जल्दी कर उसको ऑन। फिर बोला स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसने से वही वाला पार्ट दिखाया था। फिर उस क्लिप में आप देख सकते हो, उसमें तो उसने नोवा ने ऐसा बोला था कि ओटीपी डाल रहा हूँ। ठीक है, ओटीपी डाल रहा हूँ। ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूँ। हैंड कैम स्टार्ट करने की बात हो रही थी बिकॉज बैटरी लो की वजह से फोन स्विच ऑफ हुआ था। सेट बाय ब्लाइंड सौरव। बंदे स्पॉट करने के लिए वो ब्राइटनेस को पूरा कम 80 कर दो गेम वाला। स्टार्ट करते हैं। फिर वो 80% वाला है कि मतलब मैंने बोला था कि 80% कर लो ताकि बंदे अच्छे से दिखते। मैंने अपना भी चेक किया था तो मैंने गेम का ब्राइटनेस का बात करा था, मैंने अपना भी चेक किया था, आप देख सकते हो। स्टार्ट कर रहा हूँ। बंदे स्पॉट करने के लिए वो ब्राइटनेस को पूरा कम 80 कर दो गेम वाला। स्टार्ट करते हैं। किसी का एक फिनिश हुआ। स्टार्ट कर रहा हूँ। अरे टीम अप के बाद भी क्वालिफाई नहीं हुए, हो गए ना? एक तो है, वो तो थे ही गलत बंदे, थे ही हैकर वैसे, तो वो लोग तो नहीं हुए। मेरे को लग रहा है ना क्या कहते हैं, क्राफ्टर ने पूरा स्ट्रिक्ट पे वो रखा है, पता है इस बार वो नहीं कर पाए अपने जादू। पहले थोड़ा क्राफ्टर लीनियर था, हमको भी इस बार ना ऐसे जैसे फेस कैम हमने भी नॉर्मल रखा था काम इधर साइड से, तो हमको भी पूरा बोल रहे थे कि पूरी स्क्रीन दिखनी चाहिए, ऐसा बार बार वो कर रहे थे मैसेजेस। तो सारी टीम्स का मेरे को लग रहा है उन्होंने इस बार ना अच्छे से देखा, इसलिए वो ना जादू चला नहीं पाए प्लेयर। पिछली बार चैंपियंस थे और इस बार अनफॉर्चुनेटली हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है बिकॉज इस टीम को कभी इस फेज में देखा ही नहीं है, जोन में देखा ही नहीं है। जोकर आ गया, गुस्सा कर रहा है। गुड लक मेरे भाई जोकर, बहुत बढ़िया खेल रहा है, टीम बहुत अच्छा खेल रही है। वी ऑल आर रूटिंग फॉर TX, दिल से चाहता हूँ तू जीते, पूरी जान डाल दियो। आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में भी बहुत ही क्लियरली ये चीज़ लिखी थी कि वी एक्सेप्ट ऑल द क्रिटिसिज्म, और मैं कोई लेक्चर भी नहीं दूंगा यहाँ पर कि देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड हेट एट दिस पॉइंट। आप जो दोगे भाई वो सराखों पर है, हमारी गलती है, वो मिस्टेक हुई है, उसको एक्सेप्ट करने और मूव ऑन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच जाता है, नहीं बचता है। जो गलती है वो है। टीम का माहौल देखो अभी बहुत गुड तो ऑब्वियसली नहीं है। मान्या, नकुल, रोनी, मैं, अयोगी भाई, हम लोग बहुत टाइम से अब साथ हैं और ये वाला जो फेज है ना, जो मतलब ऑफिशियल टूर्नामेंट क्वालिफाई ना कर जाना, वो भी तब जब ऑलरेडी आप एज पर हो, लाइक 46 या 48 की अगर आप कट ऑफ अज्यूम करके चल रहे थे, जो कि हमने भी करी थी प्रेडिक्ट, हमारा भी कैलकुलेशन इसी के अराउंड था। आपके पास 50% मैचेस में 40 पॉइंट्स, लास्ट 50% मैचेस में सिर्फ 4 पॉइंट्स का आना, दो बार 1v4 हो जाना, तो वहां पर डिसअपॉइंटमेंट का लेवल विद इन द टीम भी काफी ज्यादा है। ब्रिंग बैक गॉबलिन। देखो गॉबलिन का हमने सोचा नहीं है, ना हमारा कोई एज सच प्लान कभी रहा है गॉबलिन के साथ का। गॉबलिन इज अ गुड प्लेयर, ही इज डूइंग गुड विद ऑल द प्लेयर्स जो भी उनके अभी चल रहे थे। BGMS तक तो गॉबलिन मुझे बहुत बढ़िया खेलता हुआ दिखा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद देम आल्सो इन BMPS। बहुत सारे मेजर सेटबैक्स रहे हैं इस बार के ऑफिशियल इवेंट में। किसी को अगर ऐसा लग रहा हो कि यार हमारा BMPS चल रहा है और माय भाई ECL खेल रहे हैं, तो मेरी ECL खेलने की कन्फर्मेशन मैंने उस पॉइंट पर दी है जब हमारे 4 मैच में 40 पॉइंट हो गए थे। मैंने कहा यार अब मैं कंफर्टेबल स्पॉट पे खेल सकता हूँ, बिकॉज दो दिन हमारे ग्रुप शफल के बाद के मैचेस होंगे, एक दिन फिर हमारा ब्रेक भी आएगा, तब तक ECL के 4 मैच खत्म हो जाएंगे और फिर हो जाएगा। मतलब 4 मैच खेल के फिर मैं रुक भी सकता था, फिर सीधा फाइनल खेलता, बट यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी हो गई और इधर भी खेलना ही पड़ा, तो वो एक अलग कहानी बन रखी है। उससे खैर इतना प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आया है, बिकॉज 4 मैच में 4 पॉइंट अलग कहानी हो गई है। मतलब ये हमने सोचा भी नहीं था भाई, ये चीज तो क्लिक भी नहीं हुई। इवन दो मैचेस खराब जब गए सानो विकंडी, उसके फर्स्ट मैच तक भी वीवर ओके की चल ठीक है आराम से खेलो अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर वो सिचुएशन 1v4 हुई और मीरा मार में एट दैट पॉइंट आई वाज रियलिटी चेक, वी केम ऑन अ ग्रुप कॉल एंड वी वाज लाइक कि ब्रो सॉर्ट इट आउट, व्हाट द फक इज हैपनिंग, यहां तक आना नहीं था, इसको अभी क्लियर आउट करते हैं, लेट्स प्ले डिसेंट अकॉर्डिंग टू द प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एंड वो डिफेंड हो जाता, मे बी वो चीज हो जाती, मे बी में तो बहुत सारी चीजें आपको
जो मिस्टेक है वो दंगे की चोट पे एक्सेप्ट करो, हम सबसे जो गलती हुई है उसके लिए आप सबसे माफी है। सोल फैंस आप लोग इतने प्यारे हो, मतलब मैंने तो खैर उतना सपोर्ट कभी पाया ही नहीं है। प्लेयर्स को जो सपोर्ट मिल रहा है अब और पूरी इस जर्नी में, मुझे जो सपोर्ट आप लोग अब दिखा रहे हो इतना कुछ हो जाने के बाद भी, भाई हैट्स ऑफ यार। लाइक हमें ऐसा लग रहा था कि भाई पूरा भर देंगे, निचोड़ देंगे, बट आप लोग खड़े हो इवन हमारे साथ। हमारी तीनों जो ओनर्स हैं हमारे, उन्होंने भी हमें इतना सपोर्ट करा है इस फेज में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब साथ हैं, पूरी ऑडियंस आपके साथ है। जो मिस्टेक हुई है उसको फिगर आउट करो एंड मेक श्योर कि हम ऐसी सिचुएशन में दोबारा ना आए, एंड फ्रॉम हेयर वी मेक श्योर कि ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आनी चाहिए। अभी अभी एक टूर्नामेंट जीत कर आए थे और करना डेफिनेटली सेंस नहीं बनता कि मैं बोलते कि नहीं भाई हम ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। कह सकते हैं कि हमने चीज़ों को थोड़ा सा ग्रांटेड जरूर ले लिया था, लग रहा था कि यार तो मतलब ठीक है हो ही चुका है, बट हमने इसमें 2 से 3 बहुत बड़े लेसन्स लिए हैं एंड वो लेसन्स हम लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे और जब तक ई स्पोर्ट्स में है उसका तो पूरा ध्यान रखेंगे। आगे ये मिस्टेक तो दोबारा नहीं होगी, हमारी साइड से भी हो गई जहाँ पर हम थोड़ा सा और देख सकते थे कि कब कोई शफल रिक्वायर्ड है अगर, तो वहाँ पर वो कर दिया जाए। बट अबाउट सौमे, सौमे इज अ ट्रेमेंडस टैलेंट, मैं बहुत बैक करता हूँ उसको, मान्या बहुत बैक करता है, हम सबको लगता है कि वो एक बहुत बेहतरीन प्लेयर निकल कर आने वाला है एक साल के अंदर, और ही इज विद अस, वी गोना गिव हिम मोर चांसेस, डेफिनेटली ही डिजर्व इट। एंड गाइस देयर इज अ चेंज इन द टीम, कुछ दिन पहले गोल्डी भाई स्ट्रीम पर आए थे, उन्होंने आप लोगों को बोला था कि कोई ऐसा चेंज नहीं है, बट शायद हम तब तक उनको पूरे तरीके से इन्फॉर्म नहीं कर पाए थे। बट keeping all the things and all the XYZ reasons and all the things what we have done, keeping all that aside, talking more and thinking more about the team, there is a change required. अब वो क्या चेंज है, क्या रिप्लेसमेंट है, इसके बारे में आपको कुछ दिनों के अंदर पता चलेगा, बट फॉर नाउ मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि एक चेंज है, एक से मतलब थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि थोड़े चेंजेस भी हो सकते हैं, बट वी आर ऑन इट सिंस क्वाइट अ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि ये BMPS के बाद का है, बट ठीक है जो भी है, अब आपके सामने मैंने ये चीज़ रख दी है, जो भी अनाउंसमेंट रहेगी, जो भी चेंज रहेगा वो आप सबको बता दिया जाएगा। मोस्टली अगर कोई और प्लेयर भी बीच में भी स्ट्रीम करता है तो आप लोग भी पेशेंस रखना, उसको ज़बरदस्ती फोक मत करना कि भाई कौन है कौन है कौन है कौन है, बताइए, किसी को भी पता नहीं है, पता भी है तो थोड़ा सा आप जो टाइम लगना उस चीज़ को आप लोग तब तक वेट कर लीजिएगा प्लीज़। एंड निंजा को हेट देने वाले ये भी समझो कि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, उसने पास में प्रूव किया है। निंजा और सारी टीम विल कम बैक स्ट्रॉन्गर, मान्या एंड मैनेजमेंट, यस देखो निंजा इज अ सुपर गुड प्लेयर, उसमें कोई डाउट नहीं है, व्हाट हैपेंड इज डन, लेट्स फोकस ऑन द फ्यूचर एंड कीप विनिंग मोर। ऑल्सो आई थिंक इट्स हाई टाइम प्लेयर्स टू कम टू बूट कैंप एंड बॉन्ड इन पर्सन मोर। फर्स्ट पार्ट आपका थोड़ा सा ठीक है, बट सेकंड पार्ट पे मैं उतना नहीं करता अग्री कि बूट कैंप आना इज समथिंग विच इज नीडेड टू गेट अ बूस्ट इन परफॉर्मेंस। मे बी और अलग अलग चीज़ों में बूट कैंप पे रहने का फायदा जरूर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि बूट कैंप पे रहकर परफॉर्मेंस एकदम से अच्छी हो जाएगी। साथ में बैठ के खेलना इज अ टोटल डिफरेंट टास्क, इट्स अ टोटल डिफरेंट विकेट, समझ रहे हो, वो पिच ही अलग है, तो वो वाली पिच पे हमको ज़्यादा खेलना ही नहीं है क्योंकि वो नहीं यूज़ में आने वाली है, तो रहने देते हैं। बूट कैंप पे खेलना इज टफ बिकॉज आपके पास एक लिमिटेड स्पेस है, वहाँ पे कॉम्स का इशू रहता है। हम लोग ट्रैवल करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग बूट कैंप जाएंगे ही नहीं,